हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका अगले वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो हम खड़े हैं मेहरौली के अंदर, और मेहरौली में बिल्कुल शहर की जो आबादी है इसकी, इसके बीचों बीच है एक झरना वाटरफॉल जो कि मुगल दौर का है, और इसका आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद आया। और इसके सोशल मीडिया पर वीडियो भी बहुत कम है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए और आपको इसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर दिखाया जाए। तो यहाँ से इसका रास्ता चलते हैं अंदर की तरफ देखने के लिए, एक मुगल दौर की इमारत झरना वाटरफॉल। ये रहा देखिए गेट इसके अंदर एंटर होने के लिए, और इधर के साइड ये लगा है बोर्ड, ये आता है पुरातत्व विभाग दिल्ली सरकार, और इसके बारे में लिखी है पूरी जानकारी। और तो इसके अंदर चलते हैं हम और इसके बारे में बताते हैं आपको। यहाँ से ये गेट देखिए, एक गेट, दो गेट, और ये आ गया इसका तीसरा गेट। ये हो गई इसके अंदर एंट्री, और ये आ गया इसका राइट वाला हिस्सा। ये देख सकते हैं आप, कमरे बने हुए हैं इस तरह से। और ये देखिए अभी का ये आर्किटेक्चर है, ये 300 साल पुराना, ज़्यादा पुराना ही नहीं, ज़्यादा पुराना नहीं है। और इसके अंदर ये ईंट देख सकते हैं आप कौन सी लगी हुई है, और अंदर भी इसके कमरा है ये देखिए। और उधर की तरफ चलते हैं, इसका जो मेन पॉइंट है वो देखने के लिए। इसका नाम झरना या वाटरफॉल है, और ये मुगल दौर का है, 17वीं सेंचुरी का, यानी औरंगजेब के दौर का। और ये बिल्कुल बीचम बीच है शहरी आबादी के, ये देख सकते हैं आप पीछे की तरफ आबादी है, और इधर की साइड देखेंगे आप तो इधर भी आपको आबादी नज़र आएगी पीछे की तरफ, यानी घर बने हुए नज़र आएंगे। और इस तक पहुँच पाना मतलब एक तरह से मुश्किल है, ये दिखाई नहीं देता दूर से ही, जैसे बहुत सारी इमारतें दूर से ही दिख जाती हैं, दिखाई नहीं देता ये ज़मीन में है नीचे को। तो वही मुगली आर्किटेक्चर, मेहराब बने हुए हैं कंगूरोदार। और ये जो वाटर टैंक है ये बनाया था हौज़े शमसी का पानी इकट्ठा करने के लिए, ये देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा वाटर टैंक है, और इसके अंदर शायद नहाते भी होंगे सीढ़ियों पर जाके। एक स्विमिंग पूल की तरह बना हुआ है ये, और यहाँ से एक नाला जा रहा है उधर के साइड, यानी उधर भी पानी को रोकने के लिए जगह है, लेकिन इधर जो है बंद है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये तीन छेद, इसी में से पानी गिरता होगा उस दौर में। और ये देखिए यहाँ पर हम जाएंगे इसके इस साइड में, तो आपको नज़र आएंगे स्टेप बाय स्टेप बने हुए पुराने पत्थरों के झरने नुमा, जैसे पहाड़ों पे होते हैं झरने उस तरह से, जैसे पहाड़ों में झरने बने हुए होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उस तरह से इसके अंदर मतलब पानी गिरता होगा। और इसी के बिल्कुल पीछे है हौज़े शमसी, यानी शमसुद्दीन का तालाब जो बनवाया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने अपने दौरे हुकूमत में, यानी 1230 में, लेकिन ये बना है 17वीं सेंचुरी में, यानी सन 1700 में। और ये नाला जो आ रहा है, नाले के बाद आपको ये दिखाई देगी एक छतरी बनी हुई बैठने के लिए, और इसका आर्किटेक्चर काफ़ी सुंदर है जैसे कि आप देख सकते हैं, आज भी पूरी तरह से कायम है। इसके अंदर जो थमले बने हुए हैं और वही मुगलिया आर्किटेक्चर, कारीगरी, नक्काशी। और पीछे की तरफ ये देखिए, यहाँ पर भी पानी जमा होता होगा, लेकिन आज बनी हुई हैं कब्रें, एक कब्र ये बनी हुई है और एक कब्र वो बनी हुई है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पानी के लिए है। ये नाला आ रहा है नीचे से, ये देखिए ये हॉल है इसके अंदर पानी जाने के लिए, और इसके अंदर भी पानी मतलब ठहरता होगा उस दौर में। और पीछे की तरफ आपको नज़र आएगा हिस्सा ये जंगल का, और सामने की तरफ ये देखिए इसका एक गेट ये रहा छोटा, और इधर चलते हैं देखने के लिए। इस साइड आप देखेंगे तो इस साइड भी बरामदे की तरह बना हुआ है, मतलब मेहराब बने हुए हैं कंगूरेदार। और ये देखिए, और ये देखेंगे इसका ये हिस्सा, तो यहाँ पर पिलर बने हुए हैं काफ़ी मजबूत, और मुगली आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं वही लाल पत्थर, बलुआ पत्थर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, उस पर नक्काशी की गई है पूरा चारों तरफ अंदर की तरफ। और इसका जो पूरा व्यू है आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से ये इसका पूरा व्यू आएगा, सामने की तरफ घर बने हुए हैं वो, और ये देखिए झरना इस तरह से। और ये लोकल लड़के हैं जो यहाँ पर मतलब इकट्ठा होते हैं बैठते हैं, और तीन चार पेड़ भी हैं इसके अंदर इस तरह से, ये देखिए। औरंगजेब के दौर में नवाब गाजुद्दीन फिरोज, जो कि औरंगजेब के एक दरबारी थे, उन्होंने ये इस टैंक का निर्माण करवाया था सन 1700 में। और यहाँ पर जब बरसात का मौसम आता था, यानी बरसात होती थी, बारिश होती थी, तो बारिश का पानी इसके अंदर आता था पीछे की तरफ से, जो पीछे अब बाई स्टेप बना हुआ है। फिर यहाँ पर जब बरसात होती थी तो यहाँ पर मनोरंजन चलता था बहुत सारा, और यहाँ मेला लगता था, और पास में ही यहाँ पर केकाबादी रहमतुल्लाह की दरगाह है, बख्तियार केकाबादी रहमतुल्लाह की, तो वहाँ से लोग आते थे फूल लेकर और यहाँ पर मतलब मनोरंजन का आनंद उठाते थे। और आज भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जिस तरह का इसका आर्किटेक्चर है, इसके अंदर अगर पानी होता तो आपको भी यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लगता। और मैंने इसका वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि इसके वीडियो बहुत कम है सोशल मीडिया पे, प्लस इसका आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद आया, ये सामने की तरफ बने हुए दर और आगे टैंक, और ये एक चैनल नाला,
और इस नाले से उस नाले के अंदर पानी जाना, और ये एक आर्किटेक्चर इस तरह से। तो ये मुझे आर्किटेक्चर काफ़ी पसंद आया, इसका मतलब एक महल की तरह बना हुआ है पूरा, तो इसलिए इसका मतलब वीडियो बनाया। तो दोस्तों आज भी आप इसके अंदर लाल पत्थर की खूबसूरती देख सकते हैं और इसकी खूबसूरती देख सकते हैं पूरे तरीके से, मतलब हालांकि चमक उड़ गई है लेकिन लाल पत्थर नज़र आ रहा है और इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप पूरे तरीके से। तो ये झरना वाटरफॉल आपको कैसा लगा, जो कि नेचुरल नहीं है, बनाया गया है मुगल दौर में, और इसको हमने आपको दिखाया पूरे तरीके से, इसके बारे में बताया। तो ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, हम आपके लिए इसी तरह के ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे ऐसी जगह। तो अब चलते हैं कहीं और, तब तक के लिए बाय।